हेलो फ्रेंड्स, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कर्मण्डा आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कैसे TDS या फिर TCS रिटर्न भरने के लिए जो यूटिलिटी ज़रूरत पड़ता है कहां से डाउनलोड करेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे। इस जो यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे TDS आइदर आप सैलरी के लिए है या फिर नॉन सैलरी के लिए हो या फिर TCS का रिटर्न भरेंगे जो आपका सेम यूटिलिटी है, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, सर्च करना है TDS रिटर्न यूटिलिटी करके सर्च करेंगे। सर्च करने बाद देखेंगे पहला जो है आपको पहला ये में आपको क्लिक करना है टिन NSDL में आपको ये वाला जो ये है इसका यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो आया है यहाँ पे आप देख लेंगे न्यू करके है, और इसको आपको यहाँ पे RPU वर्सन 5.1 को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड में डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ पे डाउनलोड में चला जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करके भी जा सकते हैं या फिर आप फाइल में जाके डाउनलोड फाइल में जाके भी आप जा सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद जहाँ पे फोल्डर है वहाँ पे मैं क्लिक कर लिया। इसको मैं क्या करूँ, जो यूटिलिटी अभी डाउनलोड हुआ इसको मैं क्या करूँगा, कट कर लूँगा। कट करके मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लूँगा कि जहाँ पर मैं TDS रिटर्न फाइलिंग करने के लिए मेरे को लगेगा, तो मैं यहाँ पर TDS रिटर्न करके फोल्डर बना लिया। उसके बाद ये फोल्डर के अंदर में मैं उसको पेस्ट कर लिया कंट्रोल वी करके, वहाँ पे कंट्रोल सी करके कट कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया। उसके बाद इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपको लाइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको करना है एक्सट्रैक्ट हियर करके आपको क्लिक करना है। इसे एक्सट्रैक्ट हियर करके क्लिक करेंगे यहाँ पर फोल्डर खुल जाएगा, आपको इसको फोल्डर को खोल लेना है। अनजिप हो गया। अभी आपको सिंपली क्या है, ये जो आपका TDS RPU 5.1 है ना, इसको आपको खोल के रिटर्न फाइलिंग भरना है। तो आप इसको डबल क्लिक करके खोल लेंगे, खोलने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे ही मैसेज आएगा, आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद जो भी फॉर्म आप भरेंगे यहाँ पे आपको चूज करना है, 24Q, 26Q या फिर TCS के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए 24Q भरेंगे तो आप 24Q चूज करके रेगुलर में जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम भर रहे तो रेगुलर में करेंगे। मान लीजिए कुछ करेक्शन करना है तो आपको करेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई फाइल सेव करके रखेंगे तो यहाँ पर सेव कर, वो जो मान लीजिए 24Q आप भरे थे आधा भरे हैं उसको अभी यहाँ पर खोल सकते हैं, या फिर आपको फ्रेश करना है तो आपको कंटिन्यू क्लिक टू कंटिन्यू में आपको करना है। करने के बाद आपको इसी तरह खुल जाएगा, ये सारा फॉर्म का आपको भरना है। कैसे फॉर्म भरना है, ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड हुआ है कैसे नॉन सैलरी पर्सन का TDS भरते हैं, वो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के दिन फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।